आपस में देख करके सो दैट एवरीबडी कैन हैव द दैट असाइनमेंट. ठीक है जी. तो हमने कुछ क्वेश्चंस आई थिंक इसमें से डिस्कस कर लिए थे. मॉड्यूल 1 लाइंस एंड एंगल्स. क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव डिस्कस्ड. असर्शन रीजंस वी हैव डन. एंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चंस एमसीक्यूज में कौन से कर लिए थे. एनीबडी हु रिमेंबर्स क्या कुछ कर लिया था. चलिए एक बार दोबारा हम एमसीक्यू से शुरू कर रहे हैं. असर्शन रीजंस तो आई एम श्योर कि हम कर चुके थे. एमसीक्यूज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वन. ये भी तीन चार हो गए थे. आई डोंट रिमेम्बर कौन से क्योंकि दिस इज डी पॉइंट. दिस इज गिवन टू बी ई एफ जी ए बी सी. एंगल ई एफ जी इज गिवन टू बी 70 डिग्री. ई एफ इज पैरेलल टू ए एंड ए जी इज पैरेलल टू बी सी. इट इज गिवन टू मी देन ए बी सी डी के पैरेलल और ये एफ जी के पैरेलल. और मेरे से पूछा गया है बी ए जी मतलब एंड बी सी डी. बी सी डी मतलब ये वाला एंगल. मुझे एंगल 1 माइनस एंगल 2 की वैल्यू बतानी है. हाँ जी कुछ याद है कैसे किया था क्वेश्चन हमने. पैरेलल लाइंस ढूंढनी है, ट्रांसवर्सल ढूंढना है. पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल होने पर आपके पास दो तीन चीजें हैं. करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो तो इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो तो इक्वल, को इंटीरियर एंगल्स हो तो उनका सम 180 डिग्री. ये मेरी प्रॉपर्टीज हैं जिनका यूज मुझे यहाँ पर करना है. नाइन्थ एफ हैज नॉट ज्वाइंड येट. क्या नाइन्थ एफ के बच्चे यहीं बैठे हैं इसमें ही. मैम, 9th F इज कंबाइंड विद अदर सेक्शंस. ओके देन दिस इज ओके. चलिए जी. तो अब हमने पैरेलल लाइंस ढूंढ करके ट्रांसवर्सल देख करके आगे चलना है. ये वाला एंगल मुझे मालूम है तो इस एंगल से रिलेटेड पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल के ऊपर हम बात करें तो ही हम एंगल्स की बात कर पाएंगे. बाकी के बचे हुए एंगल्स को हम फाइंड आउट कर पाएंगे. चलिए जी. तो यहां पर ये एफ जी और ए जी. दिस एफ जी विल एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल. सो अगर ये एंगल 70 है तो हम कौन सा एंगल बता सकते हैं. ए जी एफ. आई कैन से दिस इज 70. वाई क्यों है ये 70. ये इसके पैरेलल है. ये 70 डिग्री. ये ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड्स पर जो एंगल होते हैं कौन से एंगल्स. करस्पॉन्डिंग के ऑल्टरनेट. तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पैरेलल होते इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल हो. तो आपके पास अगर ये 70 डिग्री है तो ये एंगल 70 डिग्री आ. नेक्स्ट चलें तो एफ जी और ए बी पैरेलल है. नाउ ए जी इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल. अगर ये 70 डिग्री है तो एंगल 1 कितना हो जाएगा बता सकते हो. कौन सी प्रॉपर्टी से निकाल सकती हूँ सबसे पहले ये बताओ. सेम सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. को इंटीरियर एंगल्स. को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री. 180. ये 70 है तो ये हो गया 100. अब ये ए जी और बी सी पैरेलल है. ए बी इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल. सो कैन आई फाइंड आउट दिस एंगल. क्योंकि जो ये एंगल होगा वो ये सेम एंगल बन जाएगा. क्यों बन जाएगा. क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल है. बी सी इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल. सो इफ आई कैन फाइंड आउट दिस एंगल आई विल बी एबल टू और एंगल 2 आ गया तो एंगल 1 माइनस एंगल 2 करके मेरे पास आंसर भी आ जाएगा. ये एंगल 110. ए जी और बी सी पैरल. ए बी इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल. सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल बी ए बी सी. 70 डिग्री.
70, को इंटीरियर एंगल्स अगेन, ये 110 तो ये 70, ये 70 तो ये भी 70, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल वन है 110 डिग्री, एंगल टू है 70 डिग्री, क्वेश्चन विल बी 40 डिग्रीज। हाँ जी, समझ में आया सभी को ये? यस क्वेश्चन नंबर टू, इसका फिगर थोड़ा बड़ा अपनी कॉपीज के ऊपर ड्रॉ कर लो, या इसी पे कहीं और ड्रॉ कर लो, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है उसको फिगर के ऊपर लेकर के आना है, थोड़ा क्लियरली विजिबल होना। ए बी, दिस इज एफ, दिस इज जी, दिस इज एच, ये सी पॉइंट, ये डी पॉइंट, दिस इज ई आई जी। अब इंफॉर्मेशन जो जो है पहले वो देख लेते हैं। ए बी डी ई जी एच पैरेलल, ए बी डी ई जी एच पैरेलल, सी डी पैरेलल टू ई आई, सी डी पैरेलल टू ई आई, एंगल सी ई एफ 100, एंगल सी ई एफ। अब अगर एंगल सी ई एफ बनाना है तो पहले सी और ई को ज्वाइन करना पड़ेगा। ये सी ई एफ, लेट मी टेक दिस सी समवेयर हियर, थोड़ा पीछे ले लेते हैं सी को। ये सी ई एफ, ये टोटल एंगल 110 डिग्री, एंगल सी ई एफ। एंगल डी सी ई, एंगल डी सी ई, मतलब ये वाला एंगल 20 डिग्री, एंड एंगल एफ आई एच, इसका मतलब है ये एफ और आई को भी ज्वाइन करना पड़ेगा। एफ आई एच, दिस इज गिवन टू बी 30 डिग्री, और निकालना क्या है, ई आई एफ, मतलब दिस इज द एंगल विच आई वॉन्ट टू फाइंड आउट। ठीक है जी, अब जरा ध्यान से सारी पैरेलल लाइंस कौन से ट्रांसवर्सल बन रहे हैं वो ढूंढो पहले, और जो एंगल्स दिए हैं उनकी हेल्प से क्या कुछ निकाल सकते हो 2 मिनट लगा के। जल्दी पूछती हूँ आपसे, थोड़ा क्विकली ऑब्जर्व करेंगे फिगर को और देखेंगे कि क्या क्या कुछ है जो हमें मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्राई टू लोकेट द पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल्स। आई ई सी डी पैरेलल है, इसका मतलब आपके पास यहां पर देखो कोई ट्रांसवर्सल इन दो के हिसाब से, ये दो पैरेलल इनके इन बिटवीन कोई ट्रांसवर्सल, ये दो पैरेलल इनके बीच में कोई ट्रांसवर्सल, और कोई एंगल की इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। चलिए जल्दी जल्दी देखिए और बताइए मुझे। जब पैरेलल लाइंस दे रखी हैं, मैं इसको ऐसे एक्सटेंशन भी कर सकती हूं अगर आपको थोड़ा सा बेटर यहां से सकता हो तो। सी ई एफ 100 डिग्री है, नॉट 110, दिस इज 100 डिग्री। हाँ जी, जल्दी जल्दी जरा ऑब्जर्व करो। डी एफ और जी एच पैरेलल हैं, ये एंगल 30 डिग्री है। इस एंगल के हिसाब से इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई ट्रांसवर्सल ढूंढने की कोशिश करो। मिला कोई ट्रांसवर्सल? हाँ जी, आई एफ इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। डी एफ और जी एच के बीच में जो आपके पास ट्रांसवर्सल होगा वो आई एफ इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, आई ई इज ऑल्सो द ट्रांसवर्सल। मेरे पास ये एंगल है तो मैं इसके देखती हूँ, ये 30 है तो कौन सा एंगल मुझे मिल सकता है? विच एंगल कैन आई कैलकुलेट? एफ एंगल ई एफ आई और आई एफ ई, व्हाटएवर आई वांट टू से, दिस इज
डिग्री वाई 30 डिग्री, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए हैं। ठीक है जी। अब यहां पर ये 20 डिग्री का एंगल मालूम है, सी डी और ये आपका ई आई, ये पैरेलल है। अब देखो जरा क्या एंगल पता चल सकता है। दिस ई आई इज पैरेलल टू सी डी, दिस एंगल इज गिवन टू मी, सो इन दो के बीच में कौन सा ट्रांसवर्सल कंसिडर करूं जिससे मुझे हेल्प हो जाए। सी ई, सी ई इज द ट्रांसवर्सल, इफ दिस इज 20 डिग्री, दिस एंगल इज 20, अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये टोटल एंगल, दिस कंप्लीट एंगल वॉज गिवन टू बी 100, दिस वन दिस मच इज 20, इसका मतलब ये जो बचा हुआ पार्ट है ये कितना है, 80। टोटल एंगल 100 था, बीच वाला एंगल वो आपका 20 आ गया, तो आपके पास, लेट मी री राइट, दिस एंगल इज 80 डिग्री। आप बताओ जी और क्या एंगल निकाल सकते हो। मेरी रिक्वायरमेंट है ये वाला एंगल। अभी तक मुझे ये दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से मिल गए, ये दो ऑल्टरनेट इंटीरियर से मिल गए, टोटल 100 था, तो इतना पार्ट 80 डिग्री हो गया। अब आगे क्या कर सकती हूं मैं। बताइए जी आप कौन सा एंगल निकाल सकते हो, क्या ये वाला एंगल पता चल सकता है। मैम वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हो सकते हैं यहाँ पे। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, ये 80 है तो ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट है। मैम जो जुलेन डी डी एफ है मैम उसका सम 180 होगा और उसमें से हम 80 माइनस करके ये एंगल आ सकता है। बिल्कुल जी, ये एंगल 80 और ये जो ई पॉइंट पर ये एंगल बन रहा है, दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। इट मींस ये वाला एंगल अंदर वाला, दैट इज एफ ई आई इज 100, यस ये 100 ये 30, तो क्या ये निकल सकता है। एंगल yes. सम प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा। दोबारा देखो हमने क्या किया, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ट्राई टू लोकेट पैरेलल लाइंस ऑन द ट्रांसवर्सल उन एंगल्स के साथ जो आपको दिए हैं, क्योंकि उन एंगल से हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं जिनकी वैल्यूज मालूम है। तो सबसे पहले हमने देखा कि ये डी एफ और जी एच पैरेलल हैं, ये एंगल मालूम था, ये एफ आई इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, तो ये 30 तो ये 30, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। फिर हमारे पास सी डी और ई आई पैरेलल जा रहे थे, जिसमें ये सी ई ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है, ये 20, तो दिस पार्ट इज 20, द होल एंगल वॉज 100, सो दिस मच इज 80। नाउ दिस एंगल 80 एंड एफ ई आई, दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, सो दिस एंगल इज 100, ये 100 ये 30, तो एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ई आई एफ लगा करके रिक्वायर्ड एंगल जो मेरा आ गया वो हो गया 50 डिग्री। सो फॉर सेकेंड क्वेश्चन द आंसर इज 50 डिग्री। सबको समझ में आ गया ये। एनीबडी हु इज नॉट एबल टू गेट एनी ऑफ द पॉइंट यू कैन आस्क अगेन। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। चलिए जी, अब थर्ड क्वेश्चन जरा खुद से ट्राई करो। मेरे ख्याल से ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट चलिए जल्दी से जरा फिगर को ड्रॉ करो कॉपीज के ऊपर अपनी, और अब मैंने माइक के पास बुला करके पूछना है, तो थोड़ा ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को। पहले इंफॉर्मेशन देख लो, जी एफ पैरेलल टू बी सी,
जी एफ पैरेलल टू बी सी, ए बी पैरेलल टू पी क्यू एंड ए सी पैरेलल टू पी आर। एंगल एक्स दिस इज 40 डिग्री, एंगल वाई 110 डिग्री, और आपसे पूछा गया है क्यू पी आर, दिस इज द एंगल विच यू वॉन्ट टू। चलिए जी, तरीका वही, जो एंगल मालूम है वहां से शुरुआत करोगे, कोई पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल मिल रही हैं तो उसका यूज करोगे, कोई और प्रॉपर्टी लग रही है तो उसका यूज करोगे, लीनियर पेयर हो सकता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो सकते हैं, कुछ भी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं जो आपकी लग रही हो सकती हैं। दो एंगल जो मुझे मालूम है वो है ये एक्स और ये वाई। सबसे पहले इनके ऊपर तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि शुरुआत यहीं से करनी पड़ेगी, और कोई रास्ता है नहीं मेरे पास चलने के लिए। इन दो इंफॉर्मेशन से और कौन सी इंफॉर्मेशन आप ड्रॉ कर सकते हो, सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान दें। जो वाई एंगल में वहां पे लीनियर पेयर भी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, जो वाई एंगल है वो और ये जो अंदर का एंगल हो गया ये मिलकर के लीनियर पेयर बना रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये 110 है तो ये हो गया, पे वर्टिकल या ऑपोजिट एंगल सी पे वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो दिस इज गोइंग टू बी 40। जो दो चीजें मेरे पास गिवन थी उससे हमने एक-एक एंगल और ढूंढ लिया है। अब पैरेलल लाइंस और प्रॉपर्टीज की बात सोचो जरा, क्योंकि अब इसके बाद पैरेलल लाइंस शुरू हो गई हैं। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, देन ट्राई टू फाइंड आउट अनदर एंगल्स यूजिंग पैरेलल लाइन प्रॉपर्टीज। मैम, जो एंगल डी है वहां पे 70 डिग्री हो सकती है और ऑल्टरनेट एंगल्स। डी पर 70 डिग्री बिल्कुल हो सकती है, लेकिन एंगल कौन सा बोला आपने? मैम यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट दो बन रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये और ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पर पड़ा है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स तो नहीं हो सकते। ऑल्टरनेट के लिए तो एक डिफरेंट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल पर एंगल्स का होना जरूरी होता है। ये 70, तो ये भी 70 क्यों हुआ? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। लाइकवाइज ये 40, तो ये कितना हो जाएगा? अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स। मैम जहां पर डी एम है वहां पर भी तो बन रहा है, जेड बन रहा है वहां पे, जो जी डी बी है, जो डी बी वाली लाइन है 70, वहां पे जेड बन। ये जी डी ए एंगल ये 70 हो गया। अब आगे चलो, क्या कह रहे हो? ये 70, तो ये कितना? पी क्यू और ए बी पैरेलल है, तो ये डी क्यू, विल दिस एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल? ये 70, तो ये 70 करस्पॉन्डिंग, लाइकवाइज ये 40, तो ये 40 करस्पॉन्डिंग, ये 70, ये 40, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल कितना बन गया तुम्हारा? 70 डिग्री। सेवेंटी आप ऐसे भी प्रोसीड कर सकते थे, ये 110 है तो ये वाला एंगल 110 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर। ये 110 है तो ये 70 लीनियर लीनियर पेयर। तो तरीका सोचने का कुछ भी हो सकता है, जो आपको स्ट्राइक करे उसके हिसाब से आप प्रोसीड कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज कैसे भी हमारी लग सकती हैं, वो आपको देखना है। हाँ जी, समझ में आया सभी को ये? यस। चलिए जी, अगला क्वेश्चन ट्राई करो फिर। क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करो कॉपीज के ऊपर, इंफॉर्मेशन को लेकर के आओ डायग्राम के ऊपर,
और फिर बताओ क्या करोगे। ये एंगल एक्स, यहाँ पर यू है, ये वी पॉइंट, ये एम है, ये लाइन एल, ये डब्ल्यू गिवन है, दिस इज वी, दिस एंगल इज जेड, दिस एंगल इज वाई, पॉइंट इज आर एस एन, दिस इज पी, दिस इज क्यू। इन्फॉर्मेशन है एम एल और एन पैरेलल है, पी टी और क्यू आर पैरेलल है, टी यू वी ये पॉइंट यू है आपका, ये आपका एक्स वाई जेड दे दिया, एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन पूछा गया है, एक्स वाई जेड वी हैव लोकेटेड ऑन आर डायग्राम, आई वॉन्ट टू नो द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। नाइन्थ डी से पूनम, पूनम फ्रॉम नाइन्थ डी, आ जाओ बेटा माइक के पास, बताओ जी क्या इन्फॉर्मेशन आप यहां से ला सकते हो। एक्स वाई और जेड के बारे में हमने बात करनी है, सबसे पहले जेड और वाई का रिलेशन बता सकते हो, बहुत ही आसान रिलेशन है जेड और वाई का, देखो कौन सी पैरेलल लाइंस की बात कर रहे हैं, कौन सा ट्रांसवर्सल जा रहा है रिलेटेड टू जेड एंड वाई, करेस्पॉन्डिंग बिल्कुल ठीक है। एल इज पैरेलल टू एन, आपका पी क्यू आर एज ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है, तो जेड एंगल वाई एंगल के इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल, बिल्कुल ठीक है। आगे बताइए जी क्या करें। अगला जो पैरेलल लाइंस का पेयर है दैट इज पी टी एंड क्यू आर, जिसमें पी क्यू एज ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है, लेकिन मुझे ये एंगल नहीं मालूम है तो मैं कोई और एंगल भी फाइंड आउट नहीं कर पा रही हूँ, आगे क्या करना है ये मेरे को बताना आप। चलो बेटा सीट पर। नाइन्थ सी से राहुल, हाँ जी आवाज नहीं आई मुझे, राहुल फ्रॉम नाइन सी, बेटा माइक ऑन करो अपना, नाइन सी आपका माइक ऑफ है बच्चे, हाँ अभी भी आवाज नहीं आई, माइक ऑन हो गया है लेकिन आवाज नहीं आई मुझे नाइन सी से अभी। आवाज नहीं आ रही है, चलिए कोई बात नहीं। नाइन्थ बी से परमवीर, हाँ जी बेटा बोलो, कुछ बात समझ में आ रही है। एक्स और वाई, जेड और वाई के बारे में तो हमें पता चल गया कि ये पैरेलल हैं, पैरेलल हैं तो ये दोनों एल और एन पैरेलल थे तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, बराबर हो गए। अब एक्स के साथ इसका रिलेशन कैसे ढूंढना पड़ेगा, क्या करें। आवाज नहीं आ रही बेटा माइक, हाँ अब बोलो, अब बोलो, मैम बी को एक्सटेंड करके कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा किसको एक्सटेंड करूं, बी बी कहाँ है, बी तो है ही नहीं, पी मैम पी पी भी नहीं दिख रहा, पी को किधर नीचे एक्सटेंड कर दूं, कहाँ करूं एक्सटेंड। नो यस लो जी अब ये एक्स है तो ये एक्स हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि एम और एल पैरेलल हैं तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हुए, हाँ जी। अब इसका रिलेशन वाई जेड से कैसे बताओगे वो बताओ,
कोरोस्पोंडिंग एंगल्स किसके साथ करस्पॉन्डिंग है ये? MZ. जेड के। ये और ये पैरेलल हैं, ये आज ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो एक्स एंड जेड दे आर करस्पॉन्डिंग, सो कैन आई से एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई इज इक्वल टू एंगल जेड। ठीक है बेटा, चलिए सीट पे। ठीक है जी, ये दोनों करस्पॉन्डिंग हैं। इसको अगर मैं नीचे एक्सटेंड कर दूं तो ये एंगल एक्स, तो ये भी एक्स करस्पॉन्डिंग, और एक्स और जेड भी आपस में करस्पॉन्डिंग है, सो ऑल थ्री एक्स वाई एंड जेड दे आर गोइंग टू बी इक्वल। अगला क्वेश्चन तो काफी आसान है, फटाफट जरा कैलकुलेट कर दो, फिर मैं पूछती हूँ बुला करके माइक के पास, जल्दी से। एवरीवन हैज टू ट्राई इट, वेरी इजी क्वेश्चन। मुझे एंगल एक्स और एंगल वाई की जरूरत है, एंगल वाई ये हो गया, नहीं एंगल एक्स नहीं, मुझे वाई की और एक्स की जरूरत है। व्हाट इज एक्स एंड व्हाट इज वाई? वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इज, जल्दी से देखिए। पैरेलल आपके पास एक ही दे रखा है, डी ई इज पैरेलल। चलिए शाबाश शाबाश, ढूंढिए कौन से एंगल्स पता चल रहे हैं और कैसे आप इसमें प्रोसीड करेंगे, फिर मैं माइक के पास बुला करके अभी पूछने वाली हूँ। आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स फ्यू सेकंड्स टू थिंक। हाँ जी, एक्स इज 25, वाई इज 135। 9A से मेरे को युवराज सिंह ने आकर माइक के पास बताना है कि क्या करें। आ जा बेटा जल्दी से, युवराज फ्रॉम 9A, बोल बेटा क्या करना है, आया कैसे ये बताना है। आंसर तो आ जाते हैं, और क्या आ जाते हैं, आते कैसे हैं ये बताना पड़ता है। आंसर इधर उधर से सुन के भी पता चल जाता है ना बेटा, आया कैसे है ये बात बतानी है मुझे तो। बोल बेटा जल्दी कर, ये एंगल 60 डिग्री है, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, चॉइस आपका है। ये 60 डिग्री है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो क्या कोई और एंगल बता पाते हो क्या है? और छोटा से विच एंगल इज 60 डिग्री, कैन यू टेल मी? एंगल A60 हो सकता है। एंगल ए, एंगल ए पे तो तीन बन रहे हैं, प्रॉपर नाम दो कौन सा 60 है, ये 60 है, ये 60 है, या ये 60 है? डी DAB ए बी 60 क्यों है बेटा? ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट एंगल्स इंटीरियर एंगल्स, और जो पड़ोसी साथ में बैठे हैं वो कृपा करके ना बोलें, आप उसका फायदा नहीं कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। लेट हिम थिंक एंड आंसर। इफ दिस इज 60, दिस इज गोइंग टू बी 60 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब चल बेटा अगला, अगली बात बता क्या करूं। ए पॉइंट पर ये तीन एंगल पड़े हैं, इनके बारे में अब सोचो, इन तीनों का सम कितना बचे? 180। 180। इसका मतलब 5x + 55 इज 180, 3x + 2x इज 5x, 60 - 5 इज 55, सो 5x + 55 इज 180। क्या यहां से x की वैल्यू 25 आएगी? देखना जरा बेटा, आ रही है x की वैल्यू 25? यस x की वैल्यू आ गई 25। अब y कैसे निकलेगा?
एक्स अगर 25 आ गया तो ये एंगल आपका हो गया 75, ये हो गया 45, तो वाई कितना होगा ये बताओ। 2x - y इज 45, दिस एंगल इज 75, आई वॉन्ट टू नो वॉट वाई इज। हम को इंटीरियर एंगल्स को इंटीरियर एंगल बिल्कुल ठीक है, ये और ये पैरेलल हैं, ये और ये को इंटीरियर हो गए, ये 45 तो वाई 135, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम हैज टू बी 180 डिग्री। ठीक है जी, चलिए सीट पर। सो एक्स की जो वैल्यू आई वो 60 आई है और वाई की वैल्यू सॉरी एक्स की वैल्यू 25 आई है और वाई की वैल्यू 135 आई। पांचों एमसीक्यूज में से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। एनीथिंग दैट यू वॉन्ट टू आस्क फ्रॉम दीज 5 MCQs? असर्शन रीजंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, नाउ लेट अस गो फॉर केस स्टडी। पढ़िए जल्दी से केस स्टडी और देखिए क्या कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है। माइक के ऊपर बुला करके मैंने आंसर्स पूछने हैं, सो ऑल ऑफ यू जस्ट ट्राई आउट द क्वेश्चन। दिस एंगल इज गिवन टू बी 120, दिस इज एक्स, दिस एंगल इज 70, दिस इज जेड, दिस इज वाई। हाँ जी, क्या कहता है क्वेश्चन? क्वेश्चन सेज वंस फोर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th आर सेलेक्टेड इन इको क्लब ऑफ द स्कूल फॉर प्लांटेशन वर्क। दे आर श्रेया, खुशी, वैभव एंड सुशांत। श्रेया एंड वैभव प्लांटेड रोज प्लांट्स अलोंग एई। इस एई लाइन के अलोंग रोज प्लांट्स प्लांट किए हैं किस किसने? श्रेया एंड वैभव ने। खुशी एंड सुशांत वॉन्ट टू प्लांट सनफ्लावर्स प्लांट अलोंग ए एफ। ए एफ के अलोंग सनफ्लावर्स लगाने हैं दो लोगों ने, इसके अलोंग रोजेस लगाए हैं। फिर क्या हुआ है? टू पाइपलाइंस बी डी एंड सी जी पैरेलल टू ईच अदर आर टू बी इंस्टॉल्ड फॉर वॉटरिंग द प्लांट्स। अब अगर आपने प्लांट्स लगाए हैं तो ऑब्वियसली उनको पानी भी देना पड़ेगा, तो उसकी पाइपलाइंस डाल दी। कौन सी दो पाइपलाइंस डाली हैं? बी डी एंड सी जी एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर। दिस इज गिवन टू मी। और कुछ एंगल्स आपको दे दिए गए हैं, वो हमने लिख लिए 120 एंड 70 डिग्री। अब आपसे पूछा गया व्हाट शुड बी द मेजर ऑफ एंगल वाई व्हिच पाइप सी जी शुड मेक विद एई। 60 डिग्री 60 डिग्री किसने आंसर दिया है? 9th D सुखराज। 9th D से, ओके चलिए 60 डिग्री आंसर करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन मैं ले रही हूं 9th ई से करण, करण फ्रॉम 9th E। इज करण प्रेजेंट? नो मैम। ओके हरगुन आई एम लेफ्ट द स्कूल। लेफ्ट द स्कूल जीवन अच्छा, मतलब जिसका भी नाम मैंने लेना है वो क्लास में बैठना ही नहीं है। गुरप्रभ प्रेजेंट। आ जा बेटा गुरप्रभ, बड़ी मुश्किल से बच्चा प्रेजेंट मिला है। आ जा बेटा फटाफट फटाफट माइक के पास आओ। आंसर मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये एंगल 60 डिग्री है। कैसे आया 60 ये आपने मुझे बताया।
बोल बेटा, यहां पर पैरेलल लाइन सिर्फ दो दे रखी, बी डी और सी जी पैरेलल दिए हुए हैं। एंगल वाई का 60 डिग्री है, ऑलरेडी दे दिया गया है मुझे, आया कहां से, क्या करूं ये बताओ। को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर किसके साथ, कौन को इंटीरियर, ऐसे कहां चल दिए, माइक के पास ही आ जा बेटा। हाँ ऐसे भाग के थोड़ी ना बात बननी है, ये किसके साथ को इंटीरियर है, कौन से, कौन सा ट्रांसवर्सल, कौन सा को इंटीरियर, कुछ समझाना पड़ेगा ना। यहाँ देखो तो सही ना, कुछ कोशिश तो करो। को इंटीरियर का मतलब क्या होता है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और ट्रांसवर्सल है तो उनके अंदर अंदर के एंगल। अब ये तो, ये अगर मैं पैरेलल लाइंस ले रही हूं, इसमें ट्रांसवर्सल कौन सा ले रहे हो पहले ये बताओ मुझे, नेम द ट्रांसवर्सल, बोलो शाबाश। ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो इस फिगर के हिसाब से कौन कौन इसमें आज ट्रांसवर्सल एक्ट कर रहा है, शाबाश जल्दी से बता बेटा। बीडी बी सी और डी जी, ये मुझे समझ में आते हैं ट्रांसवर्सल हैं, ठीक है जी। ये दो पैरेलल लाइंस तो ये डी जी और बी सी, ये मेरे ट्रांसवर्सल हो गए। अगर ये ट्रांसवर्सल हैं तो को इंटीरियर की बात करोगे तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हुआ, वाई को इंटीरियर में तो नहीं आ रहा है, को इंटीरियर पे ले जाके काम कर सकते हो आगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कैसे करोगे बेटा। अगर ये 120 डिग्री है, क्या बता सकते हो ये एंगल कितना होगा, 60। ये दोनों कैसे एंगल हैं, ये 120 है ये वाला और ये वाले में क्या रिलेशन है, क्या नाम दूं, ये दो एंगल्स कैसे हैं। हाँ वो ठीक बोल रही है, बोल दो क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं बेटा गुरप्रभ, कैसे होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इक्वल होते हैं कि नहीं। अच्छा तो ये हो गए 120। अब जो आप बात कर रहे थे को इंटीरियर की, ये वाला एंगल इसके साथ को इंटीरियर है, क्या बता सकते हो ये कितना डिग्री का होगा, ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं, को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है बच्चे, 180। वन 180। अगर ये 120 हो गया तो ये कितना होगा, 60। अब ध्यान से देख के बताना, अभी अभी हमने यूज किया है, ये 60 है तो ये 60 होगा, लेकिन क्यों होगा ये बता दो। वर्टिकली अपोजिट एंगल, समझ में आ गया, ठीक है बेटा अब समझ में आ गया क्या किया हमने, भागने की बड़ी जल्दी है, भाग के पता नहीं कहीं जाना है इसने, ठीक है जाओ। ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, दिस इज 120, दिस इज 120, दीज टू आर फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल, सो दिस इज 120, दिस इज गोइंग टू बी 60, और ये वर्टिकली अपोजिट। या आप बहुत सिंपल सा काम कर सकते थे, ये 120 तो ये 60, लीनियर पेयर 60 और वाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, सो वैल्यू ऑफ वाई विल बी 60। एक ही क्वेश्चन में रीजनिंग डिफरेंट हो सकती है, लेकिन मेजर्स एंगल की सेम ही रहेंगी, जहां से मर्जी घुमा के आप पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एंगल आर फॉर्म्ड बाय एंगल जेड एंड, इसको करेक्ट कर लो, एफ बी एच, दिस इज एफ एच बी, नॉट, दैट इज नॉट करेक्ट, मेक इट एफ बी एच, एंगल जेड एंड एंगल एफ बी एच। वेन आई टॉक अबाउट एफ बी एच, मतलब मैं इस एंगल की, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, आधे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, आधे सप्लीमेंट्री, करस्पॉन्डिंग और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल ऑफ यू स्पीक अप, कौन से एंगल्स हैं ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइंस बीसी इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड्स पर मेरे एंगल पड़े हैं, तो ये हुए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो जेड का मेजर 70 डिग्री हो गया, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो इक्वली होते हैं, ठीक है जी। तो मुझे वाई मिल गया है, जेड मिल गया है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जेड की वैल्यू ही पूछी गई थी, दैट वी हैव
कैलकुलेटेड एज 70 डिग्री. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए ई एंड ए एफ. इसका आंसर 9F से अमित ने करना है, जहां भी बैठा है जिस भी सेक्शन में. अमित फ्रॉम 9F, आ जाओ माइक के पास. मैम शिफ्टेड. ओके, आज क्या बात. युवराज फ्रॉम 9F, आ जा बेटा, फिर आ जा. मेरे से पूछा गया एंगल बिटवीन ए ई एंड ए एफ, तो पहले बताओ कौन से एंगल की बात कर रहे हैं हम. डायग्राम पे क्या मैंने वो एंगल लिख रखा है, क्या है एंगल. यहाँ बोर्ड पे देख, बोर्ड पे, बोर्ड पे ए ई और ए एफ के बीच का एंगल, कौन से एंगल की बात कर रहे हैं बेटा. जो एंगल एक्स की बात कर रहे हैं, उसकी वैल्यू बतानी है तुमने मेरे को बेटा. थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर डालो, देखो कहां से क्या मिल सकता है, उसके हिसाब से जवाब दो. चलो थोड़ा सा हिंट, हिंट क्या सारा कुछ ही बता दिया वैसे मैंने आपको. इसकी और इसकी जरूरत पड़ेगी, इससे रिलेटेड चीजें ढूंढोगे तो ये मिलेगा. ढूंढो जरा क्या करोगे. शाबाश, जल्दी से. थोड़ा सा दिमाग लगाया करो बेटा. अगर ये एंगल 70 है तो बेटा कौन सा एंगल मिल सकता है मुझे इसके हिसाब से, यहाँ पे, यहाँ पे कौन सा एंगल मिल सकता है. नाम बोल, पीछे से बहुत आवाजें आ रही है, मुझे सुन रही है यहाँ तक, तुझे भी सुन रही होंगी, बोल दे. हाँ जी, विच एंगल कैन आई कैलकुलेट. एंगल ए डी, एंगल ए डी बी, एबीडी, एबीडी. अच्छा, क्या होगा और क्यों होगा. क्यों 70 तो होगा लेकिन क्यों होगा. चलो गुड, वेरी गुड. ये 70, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल 70 हो गया. ये 120 है बेटा, ये कितना होगा. शाबाश, जल्दी से देखो ये कितना होगा. इफ दिस इज 120, हाउ मच इज दिस. 60. क्यों 180 से माइनस करते. क्यों किया 180 से माइनस. लीनियर पे. एग्जैक्टली, ये 120 तो ये 60, क्योंकि ये दो एंगल फॉर्म कर रहे थे लीनियर पेयर. ये 70 है, ये 60 है, तो ये कैसे निकल. इधर बोर्ड पे, बोर्ड पे दिमाग अपना. ये क्या ए बी डी ट्रायंगल बन रहा है बेटा. ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है. 180. तो ये 70 हो गया, ये 60 हो गया, तो ये निकल जाएगा. 70 और 60 कितने होते हैं. 180 में से माइनस कर दे 130 को, क्या आएगा बेटा. आंसर आ गया 50 डिग्री. तो थोड़ा सा सिर्फ दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत मुश्किल काम नहीं है. अच्छा भला भगवान ने दिया दिमाग, उसको कहीं अच्छी जगह लगाया करो. ठीक है, समझ में आया सभी को. चलिए जी, सीट पर चलिए आप. सो एंगल एक्स जो आ गया है वो आ गया है 50 डिग्री. अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज सम ऑफ एंगल डी बी एफ एंड एंगल जेड. डी बी एफ एंड एंगल जेड, मतलब ये वाला एंगल आपका बी है, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना है, ये पूछा जा रहा है मुझसे. और इसका आंसर करना है 9C. माइक चल गया 9C. बोलना कुछ, आवाज आ रही है. नहीं आ रही. 9C वाले बच गए हैं आज, इनका माइक नहीं चल रहा है, तो इनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता. कोई बात नहीं, अगली क्लास में सही. 9D से हरमनदीप. हाँ जी बेटा, मेरे को पूछा जा रहा है इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना होगा. 180. क्यों
लीनियर पेयर। ओ, ध्यान से पहले डायग्राम देख ले बेटा, नहीं मुझे लीनियर पेयर की डेफिनेशन पूछनी पड़ जाएगी अभी, फिर फंस जाएगा। मैं को इंटीरियर एंगल। दे आर फॉर्मिंग को इंटीरियर एंगल्स। लीनियर पेयर में भी एंगल्स का 180 होता है और यहाँ पर भी एंगल का 180 है। लीनियर पेयर में तो एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, उनको एडजेसेंट होना पड़ता है एक बात, और दूसरा जो अनकॉमन आम, एडजेसेंट एंगल्स का मतलब जिनमें एक कॉमन वर्टेक्स हो, एक कॉमन आर्म हो और अनकॉमन आर्म्स स्ट्रेट लाइन पर लाई करें, तब बनता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में भी एंगल्स का सम 180 है, को इंटीरियर एंगल्स का सम भी 180 डिग्री होता है, और 180 डिग्री होने पर दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री भी बोला जाता है, लेकिन अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग चीजें कंसिडर करनी है हमें। तो यहां पर इस एंगल और इस एंगल का सम 180 है, ये एंगल की मेजर भी पूछी जा सकती है। इफ दिस इज 70, दिस इज गोइंग टू बी 110, क्योंकि सम दोनों का 180 करना है। ठीक है जी, सो दिस मॉड्यूल वी हैव फिनिश्ड ऑफ विद, जस्ट गो थ्रू ऑल द क्वेश्चंस एंड इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू वांट मी टू रिपीट एनीथिंग, देन टेल मी ईदर फ्रॉम एमसीक्यूज और असर्शन रीजन और एनी क्वेश्चन ऑफ केस स्टडी, इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड देन यू कैन आस्क। और अगर सारे हो गए हैं, समझ में आ गए हैं, तो फिर हम नेक्स्ट मॉड्यूल पर चलेंगे। हाँ एक्सक्यूज मी मैम, एक बार दर्शन रीजन रिपीट करोगे? मैम कैन यू रिपीट दर्शन रीजन? जी, असर्शन रीजन रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट असर्शन इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फिगर इज 99। पहले फिगर देख लो और फिर फिगर के अराउंड क्या करना है उसकी बात कर लेते हैं। ये आपको फिगर कुछ इस तरीके से दे रखा है, दिस एंगल इज गिवन टू बी एक्स, दिस इज 2x, दिस इज एक्स बाय 3 एंड दिस इज एक्स बाय 3 माइनस 3। एक्स की वैल्यू निकालनी है, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करूं सबसे पहले तो ये बता दो मुझे, विच प्रॉपर्टी इज टू बी यूज्ड। सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट कितना होता है? 360 डिग्री। चलो फटाफट सारे एंगल्स को ऐड करके 360 से इक्वेट करो, देखो कि एक्स की वैल्यू 99 आ रही है। जल्दी जल्दी करना, यस ये 2x प्लस एक्स 3x, एक्स बाय 3 प्लस एक्स बाय 3 2x बाय 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 360, नौर दो 11x बाय 3, ये 3 को इधर शिफ्ट कर दिया 363, तो x हो गया 363 इंटू 3/11, 11 से कैंसिल करोगे 33, तो x की वैल्यू 99। तो असर्शन हुआ ट्रू, रीजन भी ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट है, टू एंगल्स नीड टू बी एडजेसेंट टू बी सप्लीमेंट्री, बताइए अगर दो एंगल्स को सप्लीमेंट्री होना है तो उनको एडजेसेंट होना जरूरी है। फॉल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स को एडजेसेंट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि लेट अस से ये हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, ये दो एंगल एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री हैं, सप्लीमेंट्री हैं लेकिन एडजेसेंट नहीं। एडजेसेंट होना कहां पर जरूरी है, आगे दे रखा है, टू एंगल्स नीड टू बी एडजेसेंट टू फॉर्म अ लीनियर पेयर, ये करेक्ट है। अभी थोड़ी देर पहले हम इसकी बात करके हटे हैं, लीनियर पेयर अगर कोई दो एंगल बना रहे हैं तो उनको डेफिनेटली एडजेसेंट होना ही पड़ेगा। ये दो एंगल सप्लीमेंट्री भी होंगे, एडजेसेंट भी हैं और लीनियर पेयर भी फॉर्म कर रहे हैं। तो यहां पर आपका असर्शन हो गया है फॉल्स, रीजन हो गया है ट्रू, सो आंसर हो गया है डी। अब थर्ड पढ़ो जरा जल्दी से।
प्रॉपर्टी को अभी हम क्वेश्चंस करते हुए अभी ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस में यूज करके हटे हैं. क्या है असर्शन? असर्शन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर बोथ सेम टाइप ऑफ एंगल्स ईदर एक्यूट ऑब्ट्यूज. देखिए ये आपके पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं. अगर ये एक्यूट एंगल है तो इसका वर्टिकली अपोजिट भी एक्यूट होगा. ये ऑब्ट्यूज था इसका वर्टिकली अपोजिट भी ऑब्ट्यूज. और अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल राइट एंगल बन रहे हैं. सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर बोथ सेम टाइप ऑफ एंगल्स ईदर एक्यूट और ऑब्ट्यूज और राइट एंगल्स. द रीजन दिया है पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर. बोलिए जी, इज इट ओके? आंसर बताओ क्या, ए या बी? असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, आंसर इज ए और बी? पहले में हमने कहा कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं दे आर ऑफ सेम टाइप क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं इक्वल. तो यहां पर असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है और एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए आंसर हो गया. बस जी बस, बातें नहीं. फोर्थ असर्शन रीजन पढ़ो जी. No talking. What happened? Why are you talking? When a transversal cuts two parallel lines, each pair of corresponding angles are not equal. False. दो parallel lines को एक transversal cut कर रहा है तो corresponding angles हमेशा interior हो या exterior वो equal होते ही हैं. लेकिन अगर ये दो लाइंस हैं जो कि पैरेलल नहीं है, इनको एक ट्रांसवर्सल काट रहा हो, तब क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स? पहले बताओ क्या ये करस्पॉन्डिंग है? आर दीज टू स्टिल करस्पॉन्डिंग एंगल्स? बट दे आर, यहां पर एंगल वन इज नॉट इक्वल टू एंगल टू, बट एंगल वन एंड एंगल टू आर करस्पॉन्डिंग. यहां पर अगर पैरेलल लाइंस हैं आपके पास तो पैरेलल लाइंस में भी ये करस्पॉन्डिंग है और वन टू के इक्वल. ये कह रहा है नॉट इक्वल. सो असर्शन हो गया है आपका फॉल्स. रीजन है व्हेन द ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल. ट्रू. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तीन और दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं एंड दे आर इक्वल ऑल्सो. सो असर्शन है फॉल्स, रीजन है ट्रू, तो आंसर है डी. हाँ जी, फिफ्थ असर्शन रीजन पढ़िए जी. जल्दी जल्दी पढ़ो और मुझे बताओ क्या आंसर बताते हो इसका. मैम बोथ आर ट्रू बट आंसर इज बी. बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. बिल्कुल ठीक है. इफ टू पैरेलल लाइंस are cut by a transversal, each pair of corresponding angles are equal in measure. That is true. If two lines are cut by a transversal and each pair of corresponding angles are equal in measure, then the lines are parallel. एक दूसरे की कन्वर्स बातें कर हम कर रहे हैं. पहले में हमने कहा कि अगर लाइन्स पैरेलल हैं और ट्रांसवर्सल से कट हो रहा है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं. दूसरा, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों तो लाइन्स पैरेलल होती हैं. असर्शन इज ट्रू, reason is true but not the correct explanation. So answer in this case is B. इसका मतलब जो first assertion reason है उसका answer है A, second के लिए D, third A, fourth D, fifth B. Any other problem in the assignment in this module of lines and angles?
हाँ जी, कोई प्रॉब्लम किसी को? नो जो एनसीईआरटी में आपके क्वेश्चंस हैं लाइंस एंड एंगल्स के, उसमें कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर, ज्यादा मुश्किल नो कोई है ही नहीं है। ठीक है जी, तो आपको लाइंस एंड एंगल्स के फर्स्ट मॉड्यूल में और एनसीईआरटी में कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव टू स्टार्ट विद सेकेंड मॉड्यूल। 2 मिनट हैं, फटाफट से जरा एक क्वेश्चन आसान सा है पहला, फर्स्ट एमसीक्यू देख लें फटाफट से। चलिए फटाफट जरा ट्राई कर दो, फर्स्ट एमसीक्यू ऑफ मॉड्यूल 2 जल्दी से। ये 90 डिग्री दिया है, ये क्यू है, एफ दिस एंगल इज 65, ये जॉइन कर दिया गया, ये एक्स दिया है, ये 28, पी क्यू और पी एस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर, ये दोनों पैरेलल हैं, एस क्यू आर इज 28 डिग्री एंड क्यू आर टी इज 65 डिग्री, एक्स और वाई बताने हैं, ये एक्स है और ये वाई है, फटाफट देखते जाओ, जल्दी से बता दो जरा मुझे। मैं वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू 28 डिग्री अल्टरनेट एंगल्स, वाई इज इक्वल टू 28, कौन सी दो पैरेलल लाइंस देख रहे हो बेटा इसमें? पी क्यू एंड एस आर। अगर पी क्यू और एस आर की बात आप कर रहे हो तो ये एंगल पी क्यू के साथ तो नहीं बन रहा, पी क्यू के साथ तो ये टोटल एंगल बन रहा है। ये तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं हुआ बेटा, लीनियर पेयर। अगर ये 65 है तो ये कितना है? हाँ जी फटाफट बोलो, इफ दिस इज 65 हाउ मच इज दिस? 115। ये 115 है, ये 28 है, तो ये एंगल मिल जाएगा। हाउ मच इज दिस एंगल? बातों में ध्यान नहीं देना, ये एंगल बताओ कितना होगा? 115, 28 and this angles, angle of a triangle. So angle sum property से ये एंगल कितना आएगा? 37? ये 37 है, तो अब आपका x होगा, this will be now 37 alternate. जी बस बातें नहीं करने को कहा गया, लीनियर पेयर से ये 115, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 37, नाउ एक्स ये 90, ये 37, 90 प्लस वाई प्लस 37 इज 180 ऑल टू इंटीरियर एंगल्स, वाई इज इक्वल टू 53। Value of y will be 53। चलिए जी, ठीक है बच्चों, that's all for today। अगली क्लास में ये वाला मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे। ओके जी, बाय बाय। थैंक यू फॉर टीचिंग। ओके जी।